लाइट में जुड़ गई पावे कौन देने जिंदाबाद 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 जी
ये दो मैं करवाता हूँ। बाकी और भर्तियों में हुआ सर? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद जी डोटासरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे बीच आकर हमारी मांग को सुनी और उन्होंने हमारी मांग को पूरी करने की पेशकश की और साथ ही उन्होंने हमारे को आवास पर बुलाया। उसके साथ ही उन्होंने एक बात कही कि आप धरने पर क्यों बैठे हो, यदि होने वाला होगा तो हम इसे वैसे भी कर देंगे, धरने पर बैठने की क्या ज़रूरत है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 3 जनवरी को शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ रही है, उसका कारण क्या है? आप भी धरने पर मत बैठो, मोदी सरकार चाहेगी तो कर देगी। धरने पर नहीं बैठते ना तो आज आप हमारे पास नहीं आते और हमारी बात नहीं सुनते। बात हुई ज्ञापन की, ज्ञापन सर हम कई बार आपके आवास पर तो साथियों हम वहाँ पर हमें करीब ही नहीं देते और हमें जल्दी न्याय मिलने वाला है। हमारी काटी गई अतिरिक्त 14% सीटें हमें वापस मिलने वाली हैं, तो आप सबसे विनम्र विनती है कि आप जल्दी से जल्दी कल ना आके सोमवार को 4 जनवरी को जयपुर धरना स्थल शहीद स्मारक पर पहुँचें। कल हम मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास पूरा पूरा करेंगे और हो सकता है कि हम मिलें। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी का नाम भी ज्ञापन दे देंगे। देखो साथियों, ये फाइल तैयार कर ली हमने शिक्षा मंत्री को देने के लिए और ये हमारे कमलेश जी ढाका और हनुमान जी ढाका और ये बहन जी मोहिता शर्मा और ये लालू राम जी जाट पधार चुके हैं हम आवास पे और अब कुछ ही देर में हम मिलने वाले हैं, तो आप सब इंतजार करिए, हम आपको खुशखबरी सुनाने वाले हैं।